गाइस, मैं हूं शार्नली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप ब्लिस। आज का जो ये लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक है और ये एक नो फाउंडेशन लुक है। ये लुक परफेक्ट है वेडिंग सीजन में, वेडिंग फेस्टिवल में जाने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ही मैं मॉइस्चरल कोलाजन क्रीम से अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी। ये मेरी फेवरेट मॉइस्चराइजर है, आप चाहें तो कोई और भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और फिर मैं ले रही हूँ बेनिफिट का द पोर फैशनर प्राइमर और ये मैं अपने आईलिड पर भी लगा रही हूँ और जहाँ जहाँ मेरे फाइन लाइंस या ओपन पोर्स है वहाँ पर भी लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। आप चाहे तो प्राइमर स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फेस्टिवल में बहुत देर तक बाहर रहते हैं और मेकअप हमारा बहुत देर तक चलना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं स्पूली ब्रश से ब्राउज को कॉम्ब कर लूँगी और फिर मैं ले रही हूँ इन कलर कॉस्मेटिक्स का जेल लाइनर जिसका शेड है डार्क ब्राउन और इससे मैं अपने ब्राउज को अच्छा सा शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो ब्राउ पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। ये है मैबेलिन का फिट मी कंसीलर जिसका शेड है कैरमल और इसे मैं अपने ब्राउज को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी और फिर मैं पूरे फेस पर यही वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि आज हम नो फाउंडेशन लुक करने वाले हैं तो यही वाला कंसीलर हम पूरे फेस पर यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप नो फाउंडेशन लुक करते हैं तो फिर आप जो कंसीलर चूज कर रहे हैं वो आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डार्क होता है वो भी चलेगा, लेकिन अगर लाइट होता है आपके स्किन टोन से तो फिर वो बहुत ही ख़राब सा एक लुक आएगा। तो कंसीलर का कलर चूज़ करने के वक्त बहुत ही ध्यान से आप चूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर फिट मी कंसीलर यूज़ किया है, आप चाहे तो और भी कोई कंसीलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। पहले जहाँ जहाँ वार्म अंडरटोन है उस जगह को मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करने के वक्त मैं प्रोडक्ट को ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं स्किन पर पुश कर रही हूँ। जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वो जगह पहले ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर पर जो प्रोडक्ट बचा है वो मैं पूरे फेस पर लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये मीडियम कवरेज दे रहा है जो कि आज का मोटो ही है। हम नो फाउंडेशन लुक कर रहे हैं तो स्किन ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लगना चाहिए। अभी मैं ले रही हूँ इंस्टेंट एज रिवाइंड मेबेलिन कंसीलर जिसका शेड है सेंट और इसे मैं मेरे चेहरे के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा रही हूँ ताकि मेरे चेहरे पर थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए। और इसे भी मैं अपने स्किन पर पुश कर रही हूँ और ज्यादा स्प्रेड भी नहीं कर रही हूँ, ठीक जहाँ पर लगाया है वहाँ पर ही मैं इसको पुश करके ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप ब्लेंडिंग के वहाँ पर तो वीडियो स्किप कर देते हो, हमें दिखाते ही नहीं हो कि आप कैसे ब्लेंड करते हो, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर दिया है क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं कैसे स्टेप बाई स्टेप अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। आप भी ये फॉलो कर सकते हैं या फिर आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है।
इसके बाद मैं मैक का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और इससे मैं अपने बेस मेकअप को सेट कर लूँगी। और अभी मैं एले गर्ल का प्रो फेस कम्पैक्ट ले रही हूँ जिसका शेड है क्लासिक आइवरी और इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। ये है कलर सेंस का HD पाउडर और इसे मैं अंडर आई पर लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेस का ब्यूटीफुल सा आई शेडो पैलेट और इससे मैं ये पर्पलिश रेड शेड ले रही हूँ और क्रीज लाइन में ही पहले लगा रही हूँ और इसके बाद एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, आप देखिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं ये रेड शेड ले रही हूँ और ये शेड मैं आईलिड पर लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं टैपिंग मेथड का यूज कर रही हूँ और लगाने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ इसी ब्रश से। और फिर मैं एक क्लीन ब्रश से दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और लोअर लैश लाइन पर भी मैं इन्हीं दो कलर का यूज कर रही हूँ। पहले मैं डार्क शेड लगा रही हूँ आउटर कॉर्नर पर और अंदर की तरफ मैं रेड शेड लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं ये शेड ले रही हूँ जिसमें थोड़ा सा शिमर है और इसको मैं पहले ब्रश से लगा रही हूँ और फिर फिंगर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी बेकिंग हो चुकी है तो मैंने एक्सेस पाउडर को डस्ट आउट कर लिया। वाटर लाइन पे आज हम न्यूट कलर का काजल लगा रहे हैं। फिर मैं अपने आईलैश को कर्ल कर लूंगी और मस्कारा में यूज कर रही हूँ मेबेलिन का कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस, ये मेरी एक फेवरेट मस्कारा है। और लैशेस में आज यूज कर रही हूँ पैक का जिसका नंबर है 213। ये बहुत ही नेचुरल लैशेस है और मुझे ये बहुत पसंद है। और लैशेस लगाने के बाद मैं कीको मिलानो का प्रिसीशन आईलाइनर ले रही हूँ और लैश बैंड के ऊपर थिन सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये है मेबेलिन का कलोसल लाइनर और इससे मैं आईज की जो इनर कॉर्नर है वहां पर लगा रही हूँ। ये है मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस स्प्रे, इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं ब्रॉन्जिंग करूंगी। तो एले गर्ल का ब्लश कलेक्शन ले रही हूँ तो आज मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्टोर तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तो रदर देन मैं बोलूंगी कि मैं आज ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। तो इसी पैलेट से मैं जो कॉन्टोर का शेड है उसी से मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। और ब्रॉन्जिंग हो जाने के बाद मैं ब्लश ले रही हूँ और अपने चीक पर लगा रही हूँ और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। यह है सेफोरा का हाइलाइटर और इसे मैं अपने चेहरे के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहां पर लगा रही हूँ क्योंकि फेस्टिव मेकअप है तो हाइलाइटर तो बहुत ही जरूरी है। तो आप हाइलाइटर लगाइए, जरूर लगाइए, ज्यादा लगाइए लेकिन अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ये है हुदा ब्यूटी का लिप लाइनर जिसका शेड है फेमस, इससे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक से लिप लाइन कर लूंगी। और ये है मेबेलिन का सुपर स्टे लिपस्टिक जिसका शेड है पायोनियर। और
और ये है आज का फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेडिशनल क्लासी एलिगेंट बोल्ड बंगाली लुक है जो कि आप किसी भी फेस्टिवल वेडिंग पार्टी कहीं पर भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पे टैग कीजिए। फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस। बाय बाय।